दोस्तों क्या आपको पता है मार्केट में मिलने वाला चॉकलेट आखिर हमारे सेहत के लिए सही है या गलत, और क्या फैक्ट्री में चॉकलेट को बनाते समय सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब को देने के लिए हम लाए हैं किशमिश टॉफी मेकिंग फैक्ट्री और उसके साथ साथ माउस एवं स्टेज लाइट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला फैक्ट्री है माउस मेकिंग। माउस को बनाने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर मेटल पर सीएनसी मशीन के द्वारा माउस का शेप दिया जाता है, और फिर माउस का इंटरनल मुख्य भाग पीसीबी को दूसरे फैक्ट्री से लाकर वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब पीसीबी के द्वारा माउस के ऊपरी वाले हिस्से से वायर की मदद से कनेक्ट करके स्क्रू से कस दिया जाता है। अब अगले स्टेप में माउस के बॉडी को पूरी तरह से पैक करके स्क्रू की मदद से जोड़ दिया जाता है, और फिर माउस के निचले वाले हिस्से में रबर स्टैंड को लगाकर इसके क्वालिटी को दबाव देकर चेक किया जाता है, और फिर माउस पूरी तरह बन जाने के बाद इसे पैकेट में पैक करके मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से अपना माउस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स अपना अगला मशीन है किशमिश टॉफी मेकिंग। किशमिश टॉफी को बनाने के लिए सबसे पहले हीटर कंटेनर में वाटर को डालकर रोटेट किया जाता है, और जब ये पूरी तरह हीट हो जाता है तो इसमें मोचा लिकोरिस और बटर को डालकर रोटेट किया जाता है। और फिर लास्ट में शुगर सिरप को डालकर 5 मिनट तक वेट किया जाता है, और फिर दूसरे वर्कर के द्वारा इसमें फ्लेवर को भी डाल दिया जाता है, और फिर दूसरे कंटेनर में निकालकर इसको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब इसे गाढ़ा करना। इसे गाढ़ा करने के लिए रोलर के बीच से निकाला जाता है। अब कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद इसे फ्लेक्सिबल बनाने के लिए 1 राउंड और रोटेट किया जाता है। अब ये कैंडी के रूप में बनकर तैयार हो जाता है, और इसे स्मूथ करने के लिए दूसरी कारीगर के द्वारा इसे अच्छी तरीके से गूथा जाता है। अब गूथे हुए कैंडी को टॉफी मेकिंग मशीन में डालकर लंबे रस्सी का आकार में कर लिया जाता है, और कटिंग मशीन के द्वारा कटिंग करके रैपर में लपेट लिया जाता है। इस तरह से अपना टॉफी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा बने हुए टॉफियों को पैकेट में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका रैपर डिफरेंट क्यों है किशमिश टॉफी से, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये एक इंडोनेशियन कंपनी है। किशमिश टॉफी को ही सेम टेस्ट और सेम फ्लेवर के साथ अलग रैपर में बनाती है, जो कि इसे किशमिश कंपनी के द्वारा कॉपीराइट केस ना हो। तो दोस्तों अपना लास्ट फैक्ट्री है स्टेज लाइट मेकिंग। स्टेज लाइट को अक्सर शादियों एवं फंक्शंस में तो लगाए जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में 3D डायग्राम को तैयार करके प्लास्टिक से इसकी आउटर बॉडी को बनाया जाता है, और फिर पीसीबी मींस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को तैयार करके साइड साइड से फिनिशिंग दे दिया जाता है। अब पीवीसी प्लेट पर कलरफुल एलईडी को लगाकर वायर्स को छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिया जाता है। अब दूसरे वर्कर के द्वारा मिनी एसी को तैयार करके स्टेज लाइट के बेस वाले हिस्से जिसमें मोटर लगे होते हैं उसे तैयार किया जाता है। अब स्टेज लाइट में एलईडी मिनी एसी और वायर्स को कनेक्ट करके बना लिया जाता है। अब फिर लास्ट में स्विच को लगाकर छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल कर लिए जाते हैं। और फिर लास्ट में पूरे बॉडी को असेंबल करके पूरी तरह से बना लिया जाता है। इस तरह से अपना स्टेज लाइट बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके क्वालिटी को चेक करके मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। तो यारो अभी ये स्टेज लाइट बार या फंक्शंस में आपको नचाने के लिए तैयार है।